दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग A53 के बारे में। और ये जो है सैमसंग का A53 और इसमें जो है पैटर्न लॉक पड़ा है। देखिए दोस्तों, अगर आपका सैमसंग का A53 में पिन, पैटर्न, पासवर्ड कुछ भी लॉक पड़ा है और आप इसको अनलॉक करना चाहते हो तो आप इसको अनलॉक तो कर सकते हो, लेकिन इसमें एक बात मैं बता दूं, अगर आप इसका जीमेल आईडी जानते हो तब तो आप इसका FRP भी अनलॉक कर सकते हो। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसको हार्ड रीसेट कैसे करना है। तो हार्ड रीसेट के लिए आपको क्या क्या करना है मैं डिटेल्स में बताऊंगा, वीडियो में आखिरी तक देखते रहना, नहीं तो आपको टोटली समझ में नहीं आएगा, आप जो है इसको हार्ड रीसेट नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका पिन, पैटर्न, पासवर्ड लॉक पड़ा है तो पहले आप अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। और स्विच ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल ऑन होगा और मैंने जो है मोबाइल ऑफ कर दिया क्योंकि इसको ऑफ करने में बहुत तकलीफ होता है, तो इसलिए मैंने इसको मोबाइल को ऑफ कर दिया। इसको क्या करना है ना, वो वॉल्यूम का माइनस बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप एक साथ प्रेस करके रखोगे तो मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल में डाटा केबल लगाना है, जैसे कि आप चार्जिंग केबल लगाना पड़ेगा। देखिए इधर जो है मैं डाटा केबल लगा देता हूँ, लेकिन ये जो है आपका सिस्टम में कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो है मेरा सिस्टम में ये कनेक्ट है और जैसे ही ये सिस्टम लग जाएगा, सिस्टम का डाटा केबल जो है लग जाएगा और आपका मोबाइल में चार्जिंग ऐसे लोगो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप उसके बाद ही इसको हार्ड रीसेट ऑप्शन में जा सकते हो। अगर आप डाटा केबल नहीं लगाओगे ना तो ये जो है हार्ड रीसेट ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप उसके बाद जैसे ही आपका चार्जिंग का लोगो आ जाए, आपको वॉल्यूम का प्लस बटन को प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपको पावर बटन प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, इसको कुछ देर प्रेस करके रखने के बाद जैसे ही सैमसंग का लोगो आ जाए, आपको पावर बटन छोड़ देना है और ये वॉल्यूम का प्लस बटन को प्रेस करके रखना है जब तक आपका देखिए हार्ड रीसेट का ऑप्शन ना आ जाए। देख सकते हो दोस्तों, ये जो है रिकवरी मोड आ चुका है और आपको इधर जाना है फैक्ट्री डाटा रीसेट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आपको क्या करना है, इधर ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे ऐसा आ जाएगा एक कैंसिल, उसके नीचे ऑप्शन आएगा फैक्ट्री डाटा रीसेट। और इधर जैसे ही आप ओके कर दोगे, ये जो मोबाइल है हार्ड रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें जो है आपका जो भी पिन, पैटर्न, पासवर्ड लॉक है अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका पिन, पैटर्न, पासवर्ड लॉक है ऐसे तो खुल जाएगा, लेकिन अगर आपका FRP लॉक पड़ा है और FRP नहीं खुल पा रहे हो, मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको FRP लॉक एकदम सिंपल तरीके से कैसे अनलॉक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे ये मोबाइल हार्ड रीसेट नहीं करना है तो मैं इसको बैक कर लेता हूं और इसको कैंसिल कर देता हूं और मोबाइल को रीबूट कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका हार्ड रीसेट हो चुका है, पैटर्न अनलॉक हो चुका है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको डिटेल्सली बताऊंगा कि आप जो है इसका FRP लॉक कैसे अनलॉक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।